नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसे कि आपको आज पता है कि आज बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जो आज घोषित हो चुका है, जिसमें जमुई की बेटियों ने एग्जाम में अपना परचम लहराया है। जैसा कि आपको अभी कुछ देर पहले ही वीडियो में दिखाया था कि जमुई की नवी नगर की रहने वाली एक छात्रा ने बिहार में चौथा रैंक और जम्मू में पहला रैंक लाया। उसी तरह एक चंद्रदीप थाना क्षेत्र में जो है एक गरीब परिवार की बच्ची है जिसका नाम सुरुचि है, इनके पिता परमेश्वर शाह हैं, जो एक जैसा कि देख सकते हैं आप छोटा मोटा यहाँ पर एक किराना का दुकान चलाते हैं, और इनकी बेटी ने जमुई जिले में दूसरा स्थान लाया है मैट्रिक परीक्षा में, जबकि पूरे बिहार में पांचवा रैंक लाया है। आइए जानते हैं इनके परिवार से कि क्या है इनकी कहानी और किस तरह इनकी बेटी ने इस छोटे से गाँव में रहकर किस तरह इसकी बेटी ने मैट्रिक के परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सुरुचि, जिसको जो है जमुई ज़िले में दूसरा रैंक और बिहार में पांचवा रैंक लाई है। तो सुरुचि, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा जो है जमुई ज़िला में आपका जो है दूसरा रैंक आया है और बिहार में पांचवा रैंक आया है, तो क्या कहेंगे इस सफलता पे, कैसा लग रहा है? हमने यानी कि बिहार टॉप में पाँचवा स्थान लाया है, जिला में दूसरा स्थान लाया है, इसलिए हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी, गांव में रह के हुई थी या कहीं और आप पढ़े? नहीं, गांव में ही रहते थे। तो गांव में पढ़ाई लिखाई करने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, क्योंकि जो है नहीं कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि लोग देखिए पढ़ने के लिए इस जगह के जम्मू जाते हैं, गांव में साधन नहीं होता है पढ़ने का, तो कोई जम्मू जाके पढ़ रहे हैं, कोई अच्छे जगह पर जाके पढ़ रहे हैं, कोई पटना जाके पढ़ रहा है, तो ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ कि गाँव में रह के पढ़ाई नहीं हो सकती है? नहीं, हमको तो कोई महसूस, हम कहीं पर नहीं गए थे, हम सिर्फ गाँव में ही पढ़ते रहते थे, गांव में पढ़ के। तो आगे क्या बनने का सोचा है, क्या बनना है, क्या करना है आगे? पढ़ लिख कर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। यूपीएससी में? तो यूपीएससी में क्या बनना चाहती हैं आगे जाके? यानी कि ऐसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अपने राज्य देश का यानी राम रोशन और मम्मी पापा का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आप कितने देर तक रोज पढ़ाई करते थे सफलता पाने के लिए, चूँकि जो है काफ़ी अच्छा नंबर आया है, जम्मू जिले में सेकेंड रैंक आपका आया, तो कितने देर रोज पढ़ाई करते थे? वैसे हमको स्कूल और ट्यूशन के अलावे घर में जितना भी टाइम मिलता था थोड़ा बहुत, यानी खाना वाना यानी कि कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ खाना खाते थे और अपनी पढ़ाई में ही टाइम वेस्ट करते थे। आप कितने भाई बहन हैं? दो भाई दो बहन। वो लोग क्या क्या करते हैं सर? दोनों भैया अपनी पढ़ाई करते हैं और दीदी भी पढ़ाई करते हैं। दोनों भाई कहाँ पर किस में पढ़ रहे हैं? बिहार शरीफ में। क्या किस चीज़ की पढ़ाई? वो लोग बहुत यानी कि बड़े भैया का ग्रेजुएशन यानी कंप्लीट हो गया और छोटे भैया यानी कि वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जी सर। और बहन तुम्हारी? वो इस बार 12th की एग्जाम दी है। तुम्हारा कितना नंबर कम है टॉपर से? 8 नंबर। तो कभी लगता है ऐसा कि 8 नंबर और आ जाता है या 8 नंबर मेरा कम आया, ऐसा कुछ? जी सर, लगता है। क्या लगता है इसमें? लगता है कि जैसे अगर हम थोड़ा सा और मेहनत करते तो 8 नंबर यानी कि विशेष मेरा आ ही जाता। तो क्या लगा किस सब्जेक्ट में नंबर कम आया तो थोड़ा सा पिछड़ गई, अगर उसमें ज्यादा नंबर आया था तो आप आगे? सर हिंदी। हिंदी हिंदी में हिंदी। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट फेवरेट ही था, मेरे ऑल सब्जेक्ट फेवरेट ही, सब में हम ध्यान देते थे। तो फिर हिंदी में चूक गए? जी सर। अगर हिंदी में अच्छा होता तो फिर तो अच्छा रैंक लाते और भी अच्छा रैंक लाते। तो जैसा कि ये सुरुचि थी, बताइए कहाँ चूक गई, इनको थोड़ा सा मलाल तो है, अगर कुछ और हिंदी में अंक आ जाते तो और भी नाम ये और भी अच्छा इनका रैंक आता और भी जो है। अभी हमारे साथ सुरुचि के पापा हैं परमेश्वर शाह, इनका जो है किराना का दुकान है। आइए इनसे जानते हैं बेटी को पढ़ाने में, गांव में पढ़ाने में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपका चूंकि गांव में घर है और गांव में रहते हैं जी, तो बेटी को यहाँ पढ़ाने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़ती लिखती है। हाँ, यहाँ सरकारी में हम पढ़ाएँ लिखाएँ और सरकारी से ताजपुर हाई स्कूल पर लिख रहे हैं, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो बहुत कम खर्चा में पढ़ लिख रहे हैं। और हाँ, इसी गांव से पढ़ते पढ़ते का इतना प्राइवेट स्कूल में हमारा ताकत नहीं है पढ़ाने लिखाने के लिए, तो हम सरकारी से पढ़ के हम मेरा बच्ची अच्छा। आपके चार बच्चे हैं जी? चारों को पढ़ा रहे हैं? जी, चार पढ़ रहे हैं। दो बच्ची अभी यहीं पर रहा है ताजपुर स्कूल में, हाई स्कूल में, और दोनों बच्ची दोनों बच्चा बिहार में, बिहार शरीफ में तैयारी कर रहे हैं। बिहार शरीफ में कर रहा है जी। तो कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है रैंक लाई है जम्मू जिला में, दूसरा रैंक लाई है? बहुत खुशी है, पांचवा रैंक है, बहुत खुशी लग रहे हैं। और बेटी मेरा बोल रही है कि 5 नंबर कम आया, तो हम कहे यार मेहनत करो,
और हमरा बहुत खुशी है, खुशी है और मेहनत करेगा और हमरा बहुत आनंद दिल में लग रहा है। जी क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी, ये देखिए सुरुचि की मम्मी है, तो कैसा लग रहा है बेटी आपका जो है रैंक लाई है? बहुत हदस्ती है, उसको देख के हमको भी लगता है कि पता नहीं, इसको कभी कभी ऐसा लगता है एकदम अजीब की तरह। तो आपकी बेटी रैंक लाई किस तरह पढ़ती थी, कितना मेहनत करती थी, क्या कहेंगे? किस तरह पढ़ती थी, घर में पढ़ती थी, कितना मेहनत करती थी, कितना देर पढ़ती थी, आप लोग क्या मदद करते थे उसमें पढ़ाई में? 9-10-11 के बीच में सो जाते थे। आप कितना ध्यान देते थे, कैसे ध्यान देते थे बेटी को? हम सिर्फ खाना बना कर खिलाते थे और इसको हम कुछ नहीं बताते। कहाँ तक पढ़े लिखे आपने? हम बस दूसरा तीसरा पढ़ा रहे हैं। दूसरा तीसरा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं, खाली नाम लिखने जाते हैं। नाम लिखने जाते हैं, काम क्या करते हैं आप? ये किराना दुकान है और दो मन चार मन दहाइत में तलाते हैं गल्ला। तमन तला के इसी से आपका जो है? हाँ जी जी। तो जैसा कि आपने देखा, ये हैं सुरुचि के मम्मी पापा और ये बेहद जो है एक जम्मू जिले के छोटे से गांव में ये लोग रहते हैं और बेटी की सफलता पे ये लोग सभी खुश हैं और इनकी बेटी आगे चलकर आईएएस बनना चाहती है और इसके लिए इनके जो माँ बाप हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और बेटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं हूँ कुमार नेहरू और मेरे साथ हैं कैमरामैन मुमताज। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।